मध्य प्रदेश में आज गृह मंत्री एवं आबकारी मंत्री और अन्य मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में हेरिटेज शराब बनाने की एक जो पहल है उसको उसमें निर्णय लेने के लिए, और उसमें माइक्रो इकाई खोलने का, एक माइक्रो डिस्टिलरी बनाने का प्रावधान रखा गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री से, एक तरफ उमा भारती इसका विरोध कर रही है, दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर शराबबंदी के लिए डंडा लेके रोड पे आने की बात कर रहे हैं, उधर हमारे मुख्यमंत्री शराब प्रेम में इतने खोए हुए हैं कि पूरे मध्य प्रदेश को मदरा प्रदेश बनाने के तुले हुए हैं। क्या कारण है कि शराबबंदी को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं और शराब को हेरिटेज शराब बना के हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार ना देते हुए उनको शराब के व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपका शराब प्रेम कब खत्म होगा? अगर माननीय कमलनाथ जी 5 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तो शराब बंदी पर भी कार्य करते और मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए वो सुचारू रूप से कार्य करते। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए कार्य करें और शराब को उनके साथ उनको ना जोड़ें। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश में आज गृह मंत्री एवं आबकारी मंत्री और अन्य मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में हेरिटेज शराब बनाने की एक जो पहल है उसको उसमें निर्णय लेने के लिए, और उसमें माइक्रो इकाई खोलने का, एक माइक्रो डिस्टिलरी बनाने का प्रावधान रखा गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री से, एक तरफ उमा भारती इसका विरोध कर रही है, दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर शराबबंदी के लिए डंडा लेके रोड पे आने की बात कर रहे हैं, उधर हमारे मुख्यमंत्री शराब प्रेम में इतने खोए हुए हैं कि पूरे मध्य प्रदेश को मदरा प्रदेश बनाने पे तुले हुए हैं। क्या कारण है कि शराबबंदी को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं और शराब को हेरिटेज शराब बना के हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार ना देते हुए उनको शराब के व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपका शराब प्रेम कब खत्म होगा? अगर माननीय कमलनाथ जी 5 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तो शराब बंदी पर भी कार्य करते और मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए वो सुचारू रूप से कार्य करते। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए कार्य करें और शराब को उनके साथ उनको ना जोड़ें। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।